हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। खुशी स्टार फूड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनसे कि आपका किचन का काम होगा बेहद ही आसान। ये टिप्स मेरे तो काफ़ी काम आते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपके भी काम आएंगे। आज के टिप्स आपको यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज की पहली टिप देखते हैं। ये वाली टिप मेरी कच्चे नारियल को लेकर है। देखिए, जब हम कच्चा नारियल तोड़ लेते हैं खाने के लिए या फिर चटनी बनाने के लिए और इनकी गिरी निकालते हैं तो आसानी से नहीं निकलती है, काफ़ी टाइम लग जाता है। चाकू से जब हम इनकी गिरी निकालते हैं तो कई बार हमारे हाथ में चोट भी लग जाती है। कच्चे नारियल की गिरी निकालने का मैं आपको एकदम आसान सा तरीका बता रही हूँ। कुछ ही मिनटों में बहुत ही आसानी से आप इनकी गिरी निकाल पाएंगे। तो देखिए, कढ़ाई में मैंने पानी गर्म किया है। कढ़ाई के ऊपर एक छलनी रख ली। छलनी में ये सारे नारियल के पीस रख लेंगे, ऊपर से ढक लेना है और 5-7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इनको स्टीम कर लें। देखिए, लगभग 7 मिनट के लिए मैंने इनको स्टीम कर लिया है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और छलनी को कढ़ाई से उतारकर अलग रख लेंगे, यानी इनको अच्छे से ठंडा कर लेना है। ये अच्छे से ठंडे हो गए और इनको निकालने के लिए ना आप चाकू मत लीजिएगा। इस तरह के जो पलटे होते हैं इनसे आप गिरी निकालें, आसानी से निकल जाती है। और ठंडा होने के बाद आप इनकी गिरी निकालेंगे ना, बहुत ही आसानी से गिरी निकल जाती है। हल्का सा टच किया और ये देखिए पूरी की पूरी गिरी अलग हो गई है। तो फ्रेंड्स, है ना कमाल का आइडिया। जब भी आपको कच्चे नारियल की गिरी निकालनी हो, इस आसान ट्रिक से ज़रूर निकाल कर देखें, बहुत ही यूज़फुल है। ये वाली टिप भी मेरे कच्चे नारियल को लेकर है। देखिए, जब हम कच्चा नारियल तोड़ लेते हैं खाने के लिए या फिर चटनी बनाने के लिए, एक बार में पूरा यूज़ में नहीं होता। बचा हुआ नारियल हम फ्रिज में रख लेते हैं, 1-2 दिन में नारियल सूखने लग जाता है और ये ना चिपचिपा भी हो जाता है, इसमें खट्टी महक आने लगती है। तो मैं कच्चे नारियल को कैसे स्टोर करके रखती हूँ 5-7 दिन के लिए, वो आपको बता रही हूँ। नारियल को टुकड़ों में काट लिया है मैंने, देखिए, और ये मैंने एयरटाइट कंटेनर लिया है। ये कुकीज़ का कंटेनर है फ्रेंड्स। इस तरह के हमारे पास जो कंटेनर आते हैं, इनको हम फेंकने की बजाय इनका रीयूज कर सकते हैं। आप इसमें हरी मिर्च स्टोर करके रख लें, नींबू स्टोर करके रख लें। तो ये देखिए, सारे नारियल के पीस मैंने कंटेनर में डाल लिए हैं और इसमें पानी डाल लेना है। पानी इतना डाल लें कि ये नारियल के टुकड़े इसमें अच्छे से डूब जाएं। ये एयरटाइट होते हैं ये कंटेनर, पैक करके इसको फ्रिज में रख लेंगे। 5-7 दिन तक हमारे नारियल फ्रेश बने रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, इनमें खट्टी महक नहीं आएगी और ये चिपचिपे भी नहीं होंगे। हर रोज़ इनका पानी चेंज कर दें। तो ये टिप भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। ये वाली टिप मेरी गुड़ को लेकर है। देखिए, जब हम ज़्यादा दिन के लिए गुड़ स्टोर करके रखते हैं तो गुड़ में से अजीब सी स्मेल आने लगती है, इसका कलर भी चेंज हो जाता है, यानी ये ख़राब हो जाता है। तो यदि आप भी गुड़ स्टोर करके रख रहे हैं, गुड़ बड़े टुकड़ों में है तो गुड़ को छोटे टुकड़ों में तोड़ लें और आप पेपर नैपकिन लें। पेपर नैपकिन में हम ये अच्छे से रैप कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से इनको टिश्यू पेपर में रैप कर लेना है। सारे मैंने ये पीस रैप करके रख लिए हैं और अब हम एक कंटेनर लेंगे, एयरटाइट कंटेनर लें। आपने जो गुड़ का कंटेनर बना रखा है उसमें ये सारे अच्छे से सेट कर देंगे। अब इसका ढक्कन बंद करके आप बाहर रखें या फ्रिज में रखें। फ्रिज में रख रहे हैं तो 6-7 महीने तक आप इसे आराम से रख सकते हैं, आपका गुड़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब हम दूध गर्म करते हैं, यानी दूध के भगोने में गर्म करते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे ही नहीं डालना चाहिए। भगोने में पहले ना ऊपर से किनारों पर से हल्का सा घी या ऑयल लगा दें और थोड़ा सा भगोने में पानी डालेंगे, पूरे भगोने में अच्छे से फैला लें। अब हम दूध डालेंगे। इस तरीके से हम दूध गर्म करेंगे तो दूध नीचे तली में जमता नहीं है और दूध उफनकर एकदम से ऊपर नहीं आएगा। उफनकर दूध ऊपर आ जाता है ना तो किनारों पर से पपड़ी सी जम जाती है और उसको साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। दूध पर से हमारा ध्यान हटा, तुरंत दूध निकल जाता है। कुछ काम में लग रहे हैं और आप खीर वगैरह बना रहे हैं तो आप ऐसे स्पैचुला डाल दें भगोने में, इससे दूध उफनकर ऊपर नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की हमारे पास जो ऑयल की बोतल होती है, केटल होती है, तो ये काफ़ी ऑयली हो जाती है। बार बार हम इसमें से ऑयल निकालते हैं और जहाँ पर रखते हैं वहाँ का सरफेस एरिया भी काफ़ी चिकना हो जाता है। कई बार हमारे हाथ से ये बोतल स्लिप भी हो जाती है। तो इसके लिए ना आप एक काम करें कि जो हमारी पुरानी सॉक्स होती है, जिनके रबड़ ढीले हो गए हैं, जिन्हें हम फेंकने वाले हैं, इनका भी आप अच्छे से रीयूज कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने सॉक्स लिए हैं, इसके ऊपरी हिस्से को मैंने काट लिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर से रफली सिलाई कर लें, सुई से सिलाई कर दें और ये सॉक्स हम बोतल में अच्छे से सेट कर लेंगे। आप चाहें तो ऊपर एक रबड़ लगा सकते हैं और देखिए कितने अच्छे से ये पैक हो गई है।
इससे जहाँ भी आप ये बोतल रखेंगे वहाँ पर चिकना नहीं होगा और बोतल भी हमारी साफ रहेगी, ये चिकनी होगी। तो इस तरह से आप अपनी ऑयल की बोतल को सेव करके रख सकते हैं। देखिए ऊपर से मैंने फोल्ड कर दिया है, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो मैं इस बोतल को ऐसे रखती हूँ, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होती। और दूसरा कि आप इस तरह की बोतल में नहीं रखते, आप कोई डब्बे रखते हैं, इस तरह के कंटेनर रखते हैं, तो इनमें भी आप ये सॉक्स डालकर रख दें, क्योंकि ये पुरानी सॉक्स हम फेंकते ही हैं और इनका आप अच्छे से रीयूज कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें भी मैंने डाल दी है। ये वाली टिप भी मेरी एक कंटेनर को लेकर है। देखिए हमारे पास स्टील के कंटेनर या प्लास्टिक के जैसे भी होते हैं, इनके ढक्कन काफ़ी लूज होते हैं और इनमें हम सामान स्टोर करके रखते हैं, घी वगैरह रखते हैं या सूजी बेसन रखते हैं। जल्दबाजी में हम ये कंटेनर उठा लेते हैं, इनके ढक्कन काफ़ी लूज होते हैं, तो हमारा सामान वेस्टेज हो जाता है, हमारे हाथ से छूट जाता है, ढक्कन हाथ में आ जाता है और डब्बा नीचे गिर जाता है। तो इसके लिए ना आप एक थैली लें, ये मैंने हार्ड वाली थैली ली है, आपके पास वैसी थैली है वैसी ले सकते हैं, और इस पर सेट करके ना जो एक्स्ट्रा थैली है उसको हम काट लेंगे। तो ये देखिए इसी साइज का ये कट गया है और इससे हमारा ये डब्बा एयर टाइट हो गया है, इतना फिक्स हो गया कि आप इसको उठाएंगे ना तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। देखिए इस तरह से आप अपने डब्बों को एयर टाइट कर सकते हैं। ये अच्छे से इस पर सेट हो गई, इसी साइज़ की मैंने काट ली है। अगर आप थैली नहीं लगाना चाहते तो आप कोई अखबार ले लीजिए या इस तरह के प्लेन कागज़ ले लें, अखबार के साथ जो पैम्पलेट आते हैं हार्ड होते हैं उनको काट कर लगा दीजिए। तो ये देखिए कितने अच्छे से पैक हो गया है ना। तो इस तरीके से आप अपने डब्बों को पैक करके रख सकते हैं अगर आपके डब्बे लूज हैं तो। ये वाली टिप मेरी अचार के डब्बों को लेकर है। जो अचार के हम कंटेनर रखते हैं ये काफ़ी गंदे हो जाते हैं और इनको साफ़ करना ना काफ़ी मुश्किल लगता है। तो ये देखिए दो कंटेनर है, मैंने अभी अचार ख़त्म हो गया था और इनको हम डायरेक्ट पानी से साफ़ करते हैं तो हमें 4-5 बार धोना पड़ता है। इसके लिए ना आप एक ट्रिक अजमाएं, आपको लेना है गेहूं का आटा, बेसन भी ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने गेहूं का आटा लिया है, 2-3 चम्मच हम जार में आटा डालेंगे और इससे हम साफ़ कर लेंगे। तो ये जिस इसमें पूरा मसाला लगा हुआ है, ऑयल लगा हुआ है, बहुत ही अच्छे से साफ हो जाता है। हाथ से हम साफ़ कर लेंगे और देखिए ये सारा मसाला आटे में आ गया है। आटा हम अलग बाउल में निकाल लेंगे, एक बार फिर से इसमें कंटेनर में आटा डालेंगे, 2 चम्मच के लगभग डाल लें। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने अचार के कंटेनर को साफ़ करते हैं तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, और कंटेनर साफ़ करने के बाद इनमें स्मेल रह जाती है ना, अचार की स्मेल रह जाती है तो वो भी दूर हो जाती है। देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो गया, दूसरे वाले को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ये जो आटा हम बाउल में निकाल कर रख रहे हैं, इनसे हम पूड़ी पराठे कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर कि अगर आपका अचार ख़राब था, कंटेनर में जैसे फफूंदी लग जाती है, ख़राब हो रहा है, तो आप इसको यूज़ में मत लीजिएगा, आप इसे डिस्कार्ड कर दें। अब इनको हम डिशवॉश जेल से धो लेंगे, अच्छे से हमारे कंटेनर चमक जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इनको डिशवॉश जेल से धो लिया है और हमारे कंटेनर कितने अच्छे से चमक गए हैं, इनमें अचार की स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। इस तरीके से आप अपने अचार के कंटेनर को साफ़ कर सकते हैं। और जो आटा अचार वाला था अलग बाउल में निकाल कर रखा था, ये इसमें थोड़ा सा आटा और डाल लेंगे, ज़रूरत के अनुसार डाल लें, नमक डाल लें, अजवाइन डाल लें, आप चाहें तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, अच्छे से मिला लेंगे और इसका आटा गूंथ लेंगे। आपको पूड़ी बनानी है, चपाती बनानी है या पराठे बनाने हैं, उसके हिसाब से ये आटा गूंथ लें। 5-7 मिनट के लिए रख देंगे, मैंने यहाँ पे पराठे बनाए हैं फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कर देखें। तो फ्रेंड्स आज की थी मेरी ये टिप्स, मैं उम्मीद करती हूँ ये आपके भी काम आएगी। आज की टिप्स आपको यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, जिससे कि ऐसे और भी यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँ। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।